इस वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच के 11 स्टेप को समझेंगे द सबकॉन्शियस माइंड। थिंक एंड ग्रो रिच में देयर आर 13 स्टेप्स टू रिचेस जो नेपोलियन हिल ने बताया गया है। फर्स्ट स्टेप इज डिजायर, सेकंड स्टेप फेथ, थर्ड स्टेप ऑटो सजेशन, फोर्थ स्टेप स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फिफ्थ स्टेप इमेजिनेशन, सिक्स्थ स्टेप ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सेवेंथ इज डिसीजन मेकिंग, एट्थ इज परसिस्टेंस, नाइन्थ इज पावर ऑफ मास्टरमाइंड, टेंथ इज मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सारे 10 स्टेप्स के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और अब बारी है द 11th स्टेप टू रिचेस विच इज द सबकॉन्शियस माइंड। इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, देन यू माइट विन अ प्राइज ऑफ अ 10 वीडियो कोर्स ऑन द सबकॉन्शियस माइंड, completely complimentary. So don't forget to subscribe to the channel and watch the video till the end. So chaliye start karte hai. What is this particular 11th step to riches? The subconscious mind. Subconscious mind, aapka antarman. Iske subtitle mein Napoleon Hill ne isko bataya gaya hai that this is the connecting link. To ye kiske beech mein connecting link hai? On one side is your conscious mind aur dusri taraf hai infinite intelligence ya fir sare brahmand ki shaktiyan bol sakte ho. और अगर आपने कनेक्टिंग लिंक को यूज करना समझ लिया, देन जो भी आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी आइडिया है, जो भी गोल आपको चाहिए, जो भी आपको पैसे चाहिए, यू कैन स्टार्ट टू गेट द पावर फ्रॉम द इन्फिनिट इंटेलिजेंस यूजिंग दिस कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए द सबकॉन्शियस माइंड का ये स्टेप बहुत पावरफुल है। सबकॉन्शियस का मतलब वो कॉन्शियसनेस के बिलो है। दैट मीन्स आप अपने कॉन्शियस माइंड से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं कि नेगेटिव थॉट्स डालने हैं। जो भी थॉट्स आपने डाले, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। इट इज लाइक अ वेरी ओबीडियंट सर्वेंट। इसीलिए बोला गया है यू गॉट टू रियली बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके कॉन्शियस थॉट्स किस तरह के हैं और हम किस तरह से हमारे कॉन्शियस थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग हावर 5 सेंसेस, सी, स्मेल, ईयर, टेस्ट एंड टच, उन 5 इंद्रियों से वी कैन रियली स्टार्ट टू कंट्रोल आर कॉन्शियस थॉट्स। तो ये बहुत पावरफुल चीज है कि जो भी थॉट्स आपने कॉन्शियस माइंड में डाले वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट्स पे कब काम करेगा? जब भी वो थॉट्स इमोशन वाले रहेंगे। Why? Because subconscious mind को एक ही language आती है, which is language of emotions. इसीलिए बोला गया है कि जब भी आपने आप अपने affirmations करते हो, आप अपने goal cards लिखते हो, you got to have that emotional connect, because subconscious mind के पास और कोई भी language उस पर impress नहीं कर पाएगी until and unless आप उसे emotions डालिए। इस बात से हम connect करते हैं desire chapter के 6 steps को। desire chapter में बताया गया है कि आपको आपके goal statement को, जो भी आपको पैसा चाहिए, उसको आपको see, feel and बिलीव कि आपको वो पैसा मिल गया है, वो आपको महसूस करना है। नाउ यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन व्हाई इट इज मेंशन कि आपको वो इमोशंस से यूज करने, बिकॉज अगर आपने इमोशंस नहीं डाले तो आप भले करते जाओ, उसका कोई असर नहीं होगा जब तक आप इमोशन से उस चीज को ना करो। सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर सेंटर। व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर सेंटर? कॉन्शियस माइंड सो सकता है, मे बी जब आप रात को सोते हो तभी कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता। इसका मतलब कि इट इज ऑल द टाइम 24/7 वर्किंग फॉर यू, इट नेवर स्टॉप्स वर्किंग फॉर यू। सेकेंड रीजन इसको पावर सेंटर क्यों बोला गया है, बिकॉज इट इज ओनली थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस की एनर्जी को टैप कर पाएंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड में आती है, कॉन्शियस माइंड से जो भी थॉट्स आपके हैं वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स पहुंच गए, लेकिन उसको हम टैप कैसे करें, उसको हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस में कैसे पहुंचाएं, सारे ब्रह्मांड की शक्ति कैसे यूज करें? यहाँ पे देयर आर टू थिंग्स, वन इज प्रेयर पावर एंड द सेकेंड इज स्लीप। अफसोस इस बात का है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम फियर में रहते हैं। यू ऑलवेज हैव द डाउट एंड द फियर, और इसीलिए हमारे जो प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड। बट अगर इफ यू आर हैविंग दैट ग्रेट ग्रैटिट्यूड, वी आर ग्रेटफुल व्हेन वी आर प्रेइंग, तब वो पावर ऑफ प्रेयर मल्टीप्लाई होता है, इट टैप्स द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, और वहां से आपको एक सिक्स सेंस, एक गट फीलिंग, एक इंट्यूशन, एक इनर वॉइस, एक हिडन गार्डियन एंजल, एक इनविजिबल काउंसिलर आपको एक मदद करता है, और एक अंदर की आवाज आपको बोलती है, दैट इज हाउ यू स्टार्ट टू इग्नाइट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमें ये पता है दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी, और अलग अलग थॉट इम्पल्सिस पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी थॉट वेव आ सकता है इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। मे बी जॉब कट, सैलरी कट, रिसेशन, बिजनेस इज नॉट वर्किंग, बॉस इज नॉट हेल्पिंग, द रिलेशनशिप आर नॉट वर्किंग, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर इन द नेगेटिव जोन, और उस जोन्स में जो भी थॉट्स, एनर्जी, नेगेटिविटी रहती है, अगर आपने कॉन्शियस माइंड से आपने उसको गार्ड नहीं किया,
तभी ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव एनर्जी आप ले पाएंगे और इट गोज डायरेक्टली इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए बोला गया है यू गॉट टू बी रियली बी केयरफुल कि आप कौन से थॉट्स रख रहे हो, बिकॉज योर थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू गॉट टू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन। आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको फेथ यूज करना पड़ेगा, आपको विल पावर आपका यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये पॉजिटिव थॉट्स इंजेक्ट कर पाएंगे इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में डॉक्टर हिल ने टोटल 14 इमोशंस का जिक्र किया है, 7 पॉजिटिव इमोशंस है और 7 नेगेटिव इमोशंस है। कि व्हाट आर द 7 पॉजिटिव इमोशंस एंड व्हाट आर द 7 नेगेटिव इमोशंस, कौन से हैं वो? द 7 पॉजिटिव इमोशंस आर डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस एंड होप। ये सारे 7 पॉजिटिव इमोशंस है, लेकिन आपको ये 7 पॉजिटिव इमोशंस तो रखने ही रखने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 7 नेगेटिव इमोशंस नहीं रखने हैं। तो व्हाट आर द 7 नेगेटिव इमोशंस? फियर, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन, एंगर। इन सारे 7 नेगेटिव इमोशंस के बच के रहना है, बिकॉज अगर ये नेगेटिव इमोशंस आपके जहन में आ गए तो वही आपके रिजल्ट्स आएंगे। 7 पॉजिटिव इमोशंस, 7 नेगेटिव इमोशंस, ये 14 बेसिक इमोशंस है और बाकी सारे इमोशंस इसके सब इमोशंस है। इनफैक्ट टोनी रॉबिन्स बोलते हैं दैट इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 3000 डिफरेंट इमोशंस आते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2000 ऑफ देम आर नेगेटिव इमोशंस। नो वंडर पीपल आर इन सो मच ऑफ डिप्रेशन एंड हेट्रेड, बिकॉज ज़्यादातर लोग नेगेटिव इमोशंस में सोचते हैं। पॉजिटिव इमोशंस के वर्ड्स ही कम है, इसलिए पॉजिटिव इमोशंस सोचना ही कम हो जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि थॉट इम्पल्सिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ से आते हैं। देर आर ओनली दिस 4 नोन सोर्सेस जहाँ से कोई भी थॉट इम्पल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा। पहला, फ्रॉम द माइंड ऑफ सम अदर पर्सन जिन्होंने वो थॉट रिलीज किया है। वो थॉट एनर्जी है और थॉट एनर्जी ऑल द टाइम कॉस्मिक वेव में घूम रही है, और वो अगर आपकी वेवलेंथ उस थॉट एनर्जी से मैच हो गई, वो थॉट अपने कॉन्शियस माइंड में आके आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ सकता है। द सेकेंड सोर्स इज योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हो टू गेट द रिजल्ट्स विच यू वांट टू हैव इन द फ्यूचर। रिमेंबर, कोई भी ऐसा आइडिया, थॉट, इम्पल्स जो एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो कभी भी सबकॉन्शियस माइंड उसको भुला नहीं पाएगा। इट इज़ लाइक अ परमानेंट मेमोरी। तो जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपके सक्सेसेस हैं, जो भी आपके फेलियर्स भी है, वो सारी चीज़ें एज ए स्टोर हाउस आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखते हो और उसे आप यूज़ कर पाएंगे फॉर योर बेनिफिट, सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स और यू कैन यूज़ योर सक्सेसेस एंड स्टार्ट टू लेवरेज देम। दैट्स द सेकेंड वे हाउ एनी थॉट और इम्पल्स कैन कम इन योर कॉन्शियस माइंड। The third point is very powerful. From another person's subconscious mind, telepathy, clairvoyance, extrasensory perception. That means I can judge what is happening in the other person's subconscious mind. और मुझे मेरे subconscious mind में वो thought आता है using this particular power. बहुत जबरदस्त चीज है. Most of the magicians and hypnotists use this particular technique to get these ideas coming in from another person's subconscious mind. And the fourth way where any thought or impulse can come in your conscious mind is इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जहाँ से सारे ब्रह्मांड की शक्ति है और वहाँ से आपको एक ऑटोमेटिकली एक सिक्स सेंस से, गट फीलिंग से, इंट्यूशन से आपको आइडिया आती है। दीज आर दिस 4 नोन वेज जहाँ से आपके कोई भी थॉट, आइडियाज और इम्पल्सिस आ सकते हैं। है ना पावरफुल चीज? वंस यू अंडरस्टैंड कि ये चारों चीज़ों को मैं अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ करूँ, यू कैन रियली रियली कंट्रोल योर कॉन्शियस थिंकिंग एंड दैट वे आप अपने सबकॉन्शियस थिंकिंग को, पैराडाइम को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया, देन इट्स गोइंग टू बी मैजिकल फॉर यू। कॉन्शियस माइंड गलत हो सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी भी गलत नहीं हो सकता। कॉन्शियस माइंड से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन एक बार सबकॉन्शियस माइंड में आपने वो चीज़ डाल दी, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपको पैसे कमाना है, एक बार आपने वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी, बस दैट्स इट। ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगेगा, दुनिया की सारी ताकत लगा देगा टू हेल्प यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। दिस इज द 11th स्टेप टू रिचेस। स्टार्ट यूजिंग दिस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। रीड द चैप्टर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। छोटा चैप्टर है थिंक एंड ग्रो रिच का, इसको बार बार पढ़िए, सुनिए एंड लेट्स सी हाउ दिस इज द कनेक्टिंग लिंक फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड to the infinite intelligence. I hope you like this video. Please like, share, subscribe to this particular channel. And if you want to win this prize, you can actually subscribe and share the photograph of your subscription and you can win a 10 video course on the subconscious mind completely free. This is Siddharth Shah from Think and Grow Rich Academy. Let's get ready to think and grow rich.